हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो उस वैकेंसी को हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर ये पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप भी इस पीडीएफ को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, एंड जो आपकी वैकेंसी है, नेम ऑफ द पोस्ट का नाम है रजिस्ट्रार ग्रुप ए, स्केल ऑफ पे है जो आपका 15,600 एंड 39,100 तक का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज़ आप लोगों के पास, एक तो एलएलबी अगर आपने की है तो उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एंड अगर आप लोगों ने बीए एलएलबी करी है तो उसकी डिग्री सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आप लोगों की डिग्री होगी वो डिस्टेंस मोड से नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड एक चीज़ का और आप लोगों को ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस मिनिमम जो एक्सपीरियंस है 5 to 7 years का एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए एज एन एडवोकेट, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए, जब इससे आपका जो मतलब ये चेक किया जाता है कि आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, आपने कहाँ से पास आउट किया, वो बीसीए अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कर रखी हैं, क्या कुछ है आप यहाँ से इस पीडीएफ से रीड कर सकते हैं। अगर हम इसके बायोडाटा के बारे में बात करें तो ये जो फॉर्म है, इस तरीके का फॉर्म आप लोगों को इस पीडीएफ के अंदर मिलेगा। ये फॉर्म जो है आप लोगों को फिलअप करना होता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपने 3 years कोर्स किया है या फिर आपने 5 years कोर्स किया है, वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना होता है। एंड सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना है, 7 years या फिर 5 years, तो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी होती है। एंड ये काफ़ी बड़ा मतलब इन्होंने फॉर्म दे रखा है, तो ये आप लोगों को जब ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे वहाँ से आप सारी डिटेल्स जब पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगी एक्चुअल में हमें यहाँ पर फिलअप क्या करना है। ठीक है, पूरे 12, 15 to 16 एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी हैं, कितने से कितने पे करना है, ग्रेड किसके लिए है। तो ये आपकी रजिस्ट्रार की जो है वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे बताई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इस वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी then please do like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this video.